हाय गाइस, स्किन केयर एम्प्टीज हैं। दिस इज डर्मेटोलॉजिस्ट सिंपल का फेस वॉश। इसमें एक्चुअली प्रोडक्ट है, तो मेरे पास ये दो एम्प्टीज हैं। हेलोनिक एसिड सीरम इज अ वेरी वेरी गुड। पहले नहीं आ रहा था, अब भी आ गया है। ये रहा, सो आई हैव टू प्रोडक्ट्स एंड आई रिकमेंड बोथ ऑफ देम। की का लिप बाम एंड दूसरा है लानेज का लिप बाम। हाई गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज कोमल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज का वीडियो होने वाला है प्रोडक्ट एम्प्टी रिव्यू वीडियो। तो मेरे पास कुछ स्किन केयर एम्प्टीज हैं एंड इन्हीं का मैं रिव्यू करने वाली हूँ आज। सो वीडियो एंड तक देख लेना। एंड मेरे पास कुछ बॉडी केयर और हेयर केयर एम्प्टीज भी हैं, तो मे बी मैं उसका एक पार्ट टू पोस्ट कर दूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं इसी में वो शेयर करूंगी तो। सो या चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो स्किन केयर एम्प्टीज हैं, मैं आपको उन्हीं ऑर्डर में दिखाऊंगी, लाइक जिस ऑर्डर में आप स्किन केयर करते हो, लाइक क्लेंजिंग, देन टोनर, एंड उसके बाद सीरम, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन एंड देन लिप बाम। सबके ही मेरे पास दो दो एम्प्टीज हैं। सो स्टार्टिंग विद द क्लेंजर, आई हैव दीज टू एम्प्टीज विद मी। फर्स्ट वन इज द सेटाफिल एंड सेकेंड आई हैव द सिंपल का फेस वॉश। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेटाफिल का फेस वॉश फर्स्ट। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है एंड सेंसिटिव भी है, सो मैं उसी अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। सो जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट आई हैव अ वेरी वेरी ड्राई स्किन। एंड ज़्यादातर प्रोडक्ट्स आपको ना मोस्ट सूटेबल फॉर ड्राई स्किन ही मिलेंगे, जो भी मैं रिकमेंड करती हूँ या मेरे एम्प्टीज या स्किन केयर वीडियोज़ में आपको दिखेंगे। सो दिस इज अ डर्मेट रिकमेंडेड ब्रांड एंड इसमें है ग्लिसरीन, देन विटामिन B3 एंड विटामिन B5। ये सभी बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करते हैं आपकी स्किन को। सो ये फेस वॉश यूज़ करने के बाद ना मुझे लगता नहीं है, लाइक बिल्कुल भी मेरी स्किन ड्राई फील नहीं करती है। इसका जो नेट क्वांटिटी है वो 250 ml है, प्राइस है 615 rupees। अब हमेशा आप क्या कर सकते हो ना, जो भी प्रोडक्ट आप परचेज करना चाहते हो, ऑलवेज पुट इट इन योर कार्ट एंड वेट करो, कोई ना कोई पक्का सेल या डिस्काउंट जरूर आ जाता है प्रोडक्ट्स पे। कभी भी MRP पे खरीदने की तो जरूरत नहीं है। तो 615 का जरूर है, बट डिस्काउंट पे 500-550 का आपको नायका अमेजोन कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। मैंने कोशिश की है कि सारे प्रोडक्ट्स में थोड़ी क्वांटिटी बची हुई हो ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। सो लेट्स सी अगर इसमें कुछ है, सो आई कैन शो यू इट्स टेक्स्चर। सो इट केम आउट ओके। सो ऐसा कुछ टेक्स्चर है इसका एंड दिस इज द कंसिस्टेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लेंजर। बहुत ज़्यादा लाइक माइल्ड है एंड सी इट हाइड्रेट्स वेरी वेरी नाइसली। सो हाईली हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई एंड। नाउ अगले फेस वॉश की बात कर लेते हैं, विच इज़ द सिंपल का फेस वॉश। एंड ओ माई गॉड, दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल फेस वॉश। बहुत अच्छा फॉर्मूला है इसका एंड ये सारी स्किन टाइप्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। लाइक कैसी भी स्किन हो आपकी, ड्राई, सेंसिटिव और ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, सब स्किन टाइप्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है। ये भी बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता आपकी स्किन को। सो ड्राई स्किन वालों को अगर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस का प्रॉब्लम है किसी भी फेस वॉश को यूज़ करने के बाद, तो वो ये डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। नाउ दिस इज ऑल्सो डर्मेट टेस्टेड, तो ऑफकोर्स डर्मेट अप्रूव्ड ब्रांड है तो अच्छा ही है। एंड नॉन कॉमेडोजेनिक है। सो नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स आर दोज प्रोडक्ट्स दैट डू नॉट क्लॉग योर पोर्स। सो उस हिसाब से भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड इट इज वीगन एंड क्रुएल्टी फ्री ब्रांड एंड इट इज अ 150 ml प्रोडक्ट दैट रिटेल्स फॉर ₹385। सो प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग भी ये काफ़ी अच्छा ब्रांड है एंड इसमें प्रो विटामिन B5 एंड विटामिन E है एंड इनमें भी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। सो कभी भी ड्राई नहीं करेगा ये आपकी स्किन को। वेरी वेरी गुड फेस वॉश। इसका भी मैं आपको टेक्सचर दिखा देती हूँ। ओके या दिस इज इस तरह की कंसिस्टेंसी है इसकी। इट इज ऑल्सो वेरी वेरी लाइट, बहुत माइल्ड है ये फेस वॉश एंड बहुत ज़्यादा फोम भी नहीं बनाएगा। सो या सी बहुत ही लाइट वेट, वेरी वेरी नाइस कंसिस्टेंसी। इज ऑल्सो हाईली रिकमेंडेड। आई लव बोथ दीज फेस वॉशेज वेरी वेरी मच। जो पहला स्टेप था यूजिंग अ फेस वॉश, दैट इज डन। सेकेंड स्टेप इन आर स्किन केयर इज यूजिंग अ टोनर। नाउ वॉट अ टोनर डज इज जितने भी आप आगे के जो स्किन केयर स्टेप्स करते हो उसके लिए आपको आपकी स्किन को प्रेप कर देता है बेसिकली एंड एक्स्ट्रा हाइड्रेशन तो प्रोवाइड करता है। सो अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है, सो यू कैन जस्ट यूज अ टोनर फॉर दैट एक्स्ट्रा हाइड्रेशन। एक एक्स्ट्रा लेयर आप यूज कर सकते हो। फॉर दैट आई हैव टू रिकमेंडेशंस एंड वन इज अ क्वाइट एक्सपेंसिव वन एंड वन बहुत ज़्यादा रीजनेबल है।
सो मेरे पास ये दो एम्प्टीज हैं, दो आई हैव यूज्ड अदर टोनर्स ऑल्सो, बट अभी के लिए मेरे पास ये दो प्रोडक्ट्स हैं. इसमें थोड़ा सा प्रोडक्ट अभी भी बचा है, सो लाइक 2-3 डेज आई एम गोना यूज इट. जो पहला टोनर है वो है ये गुड वाइब्स का पोमोग्रेनेट ग्लो टोनर. एंड मैंने गुड वाइब्स के टोनर्स पहले काफ़ी यूज़ किए हुए हैं, रिसेंटली आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग देम, बट मुझे अच्छे लगते हैं इनके टोनर्स. आई हैव यूज द हनी वाला वेरियंट ऑल्सो. सो अगर ड्राई स्किन है आपकी, आप वो हनी वाला वेरियंट जरूर चेक कर सकते हो. आई डोंट हैव द एम्प्टी राइट नाउ, अदरवाइज मैं आपको दिखा देती. मेरे पास ये वाला है जो मैंने आई थिंक कुछ 2-3 महीने पहले यूज़ किया था, एंड दिस इज अ वेरी वेरी लाइक अफोर्डेबल टोनर. अगर आप एक बिगिनर हो एंड यू हैव नेवर यूज्ड अ टोनर एंड यू जस्ट वॉन्ट टू लाइक इंक्लूड इन योर स्किन केयर स्टेप, यू कैन डेफिनेटली गो चेक दिस आउट, क्योंकि बहुत अच्छा हाइड्रेशन देता है ये. एंड लाइक दिस इज गुड फॉर ऑल स्किन टाइप्स. इट हैज नो पैराबेंस एंड नो एल्कोहल, एंड इसका जो प्राइस है वो बहुत अफोर्डेबल है. यू आर गेटिंग 200 ml क्वांटिटी फॉर जस्ट ₹275, क्वाइट अफोर्डेबल. प्लस ये हमेशा आपको डिस्काउंट्स पे मिल जाएगा. पर्पल पे सेल चलती रहती है, पर्पल इज एन ऐप एंड वहाँ पे हमेशा सेल चलती रहती है, स्पेशली फॉर द गुड वाइब्स प्रोडक्ट्स. आप वहाँ से इजिली परचेज कर सकते हो गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे डिस्काउंट्स पे. सो ये टोनर भी आपको आराम से लाइक 150 और 200 का बहुत इजिली मिल जाएगा. सो उस प्राइस पे लाइक जो क्वांटिटी आपको मिल रही है, दैट इज वेरी गुड. आई डोंट नो हाउ टू शो यू द टेक्स्चर. ओके, इसका जो पंप है वो काफ़ी अच्छा है. तो ये ना सही ज़्यादा नहीं पता चलेगा ऐसे, बट अगर मैं हाइड्रेशन की बात करूँ तो इट डेफिनेटली हाइड्रेट्स योर स्किन. कमिंग टू द सेकेंड टोनर विच आई थिंक एवरीबडी नोज एंड एवरीबडी लव्स, इट्स द कामा का आयुर्वेदा प्योर रोज वाटर टोनर. एंड ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है. मैंने इसका छोटा वाला बॉटल भी यूज़ किया हुआ है, एंड अब तक मैं आई थिंक आई वॉज परचेजिंग दैट वन ओनली. सो मैंने कुछ 2-3 बॉटल्स उसके परचेज किए हैं. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई परचेज द बिगर वन. प्राइस है 1445 एंड इसका जो क्वान्टिटी है दैट इज 200 ml. नो डाउट इट इज़ अ प्योर रोज वाटर टोनर, कोई शक ही नहीं है कि ये अच्छा है. सो या इट इज़ अ वेरी वेरी गुड टोनर, बहुत अच्छा हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा. एंड कैन शो यू लाइक इसका भी पम्प बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा हाइड्रेशन देता है ये. सो यू कैन सी एंड ऑल स्किन टाइप्स कैन यूज दिस टोनर. बहुत लाइक इतना रिलैक्स और इतना कूलिंग इफेक्ट देता है, आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हो इसे यूज़ करने के बाद. सो इफ यू हैव अ बजट यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट, अदरवाइज दिस इज ऑल्सो अ गुड टोनर. सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द टोनर्स. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज यूजिंग अ सीरम. नाउ सीरम्स भी इट्स नॉट नेसेसरी कि सब लोग सीरम यूज करते हैं एंड दे लाइक इट. And but recently I included serums in my skincare routine. It's been I think 6 or 7 months and I am liking the serums. And market में ना बहुत अलग अलग type के serums हैं, like vitamin C है, salicylic, niacinamide, then hyaluronic, बहुत सारे serums हैं. So you can choose those according to your skin type, like आपके skin में क्या issues हैं, उस according ही आप एक अच्छा सा serum like choose कर सकते हो कि आपको कौन सा use करना चाहिए. सो माई स्किन इज ड्राई एंड सेंसिटिव, तो मैंने दो सीरम मैंने ये ट्राई किए थे. सो फर्स्ट इज द हाइलुरोनिक एसिड एंड सेकेंड आई यूज द वाइटामिन सी. आई रियली लव बोथ ऑफ देम. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द हाइलुरोनिक वन. हाइलुरोनिक एसिड इट एक्ट्स एज एन ह्यूमेक्टेंट एंड बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करेगा आपकी स्किन को. जितनी ज़्यादा हाइड्रेटेड आपकी स्किन होगी ना, उतनी ज़्यादा यूथफुल इट लुक्स. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप योर स्किन ऑलवेज हाइड्रेटेड. एंड हाइलुरोनिक एसिड सीरम इज वेरी गुड especially for dry skin people. Like अगर आपकी dry, very dry skin है, so you can definitely include this like hyaluronic acid in your skin care. Morning में भी आप use कर सकते हो, night में भी use कर सकते हो. Now this is the L'Oreal का hyaluronic acid. This is a hyped product. मैंने बहुत ज़्यादा hype सुना था इसका, but it is worth the hype actually. तो आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छा सीरम है ये. इसमें 1.5% हाइलुरोन सीरम है. मेरे पास ना 15 ml का बॉटल है एंड ये इसका प्राइस आई थिंक कुछ 529 समथिंग है. एंड इफ़ यू गो फॉर अ बिगर वन दैट इज़ 30 ml, दैट इज़ आई थिंक फॉर 999. सो मेरे पास छोटा ही है बिकॉज दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई वॉज ट्राइंग दिस सीरम. नाउ देयर इज़ वन थिंग विद हाइलुरोनिक एसिड सीरम्स, नेवर यूज़ इट ऑन ड्राई स्किन, ऑलवेज लाइक यूज़ इट ऑन डैम स्किन. सो देयर इज़ अ स्टोरी बिहाइंड दिस. व्हेन आई फर्स्ट यूज़ दिस ऑन माई स्किन, मुझे नहीं पता था दैट इट हैज़ टू बी यूज ऑन डैम स्किन. सो आई वॉज यूजिंग इट ऑन ड्राई स्किन फॉर लाइक 1 week or so, एंड उसके बाद मेरी स्किन और ज़्यादा ड्राई होने लगी.
सो क्योंकि इसने और मॉइस्चर ले लिया था मेरी स्किन से, सो दैट इज़ द रीज़न मेरी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई हो गई. और मैंने सोचा यार इतना ज़्यादा हाइप प्रोडक्ट है, इतना ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, मैंने इतना अच्छा सुना इसके बारे में, एंड आई एम फेसिंग इश्यूज़ विद दिस पर्टिकुलर सीरम. आई हेटेड दिस इनिशियली, देन आई टुक सम टाइम, मैंने इसको रख दिया. एंड आई टुक सम टाइम आफ्टर लाइक वन एंड हाफ मंथ, जब मैंने थोड़ा सा और रिसर्च कर लिया था हाइलुरोनिक एसिड सीरम के बारे में, देन आई केम टू नो दैट इट शुड बी यूज ऑन डार्क स्किन. एंड उसके बाद मैंने फिर से इसे लाइक फिंगर्स क्रॉस करके मैंने इसे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, एंड इट वर्क लाइक मैजिक. पहले लाइक जो पहली बार मेरे साथ हुआ, आई वॉज सो स्कैर्ड यूजिंग इट अगैन, बट जब मैंने दोबारा से इसे यूज़ किया तरीके से जैसे इसे यूज़ करना चाहिए, इट रियली गेव मी द रिजल्ट. सो मेरी स्किन जो जितनी ज़्यादा ड्राई फील करती थी वो उतनी नहीं फील करने लगी बाद में. सो दैट इज़ द रीज़न आई लव दिस प्रोडक्ट नाउ. बिट एक्सपेंसिव बट लाइक वर्थ द हाइप. सो लेट मी शो यू द कंसिस्टेंसी. अगर ये पंप में थोड़ा सा आ जाए तो, आई एम नॉट श्योर, इट्स एम्प्टी एक्चुअली. सो दिस इज द कंसिस्टेंसी. इट्स लाइक बहुत ज़्यादा भी लाइट नहीं है एंड बहुत ज़्यादा भी थिक नहीं है. इट्स प्रॉपर कंसिस्टेंसी एंड इट गिव्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल ग्लो आफ्टर यू यूज दिस सीरम. सो अ बिग थम्स अप फ्रॉम माई साइड. नाउ द नेक्स्ट वन इज दिस प्लम का वाइटामिन सी. एंड वाइटामिन सी के बारे में मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था एंड इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, सो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर लेना. सो वाइटामिन सी सीरम इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड सीरम टू यूज, लाइक अगर आपको डार्क स्पॉट्स का इशू है, हाइपर पिगमेंटेशन का इशू है, सो इन दैट केस यू कैन ऑलवेज ट्राई वाइटामिन सी, बट डोंट ट्राई इट ऑन एक्टिव एक्ने. नो, एक्टिव एक्ने में प्लीज वाइटामिन सी यूज मत करना, स्पेशली द सीरम्स विद अ हायर कॉन्सेंट्रेशन. एंड दिस वाइटामिन सी हैज 15% कॉन्सेंट्रेशन, सो इफ यू आर अ बिगिनर प्लीज डोंट यूज इट, आई वुड नॉट रिकमेंड इट. अगर आप बिगिनर हो आप थोड़े लोअर कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट कर सकते हो. एंड इफ यू आर नॉट अ बिगिनर, अगर आप लाइक यूज कर चुके हो पहले वाइटामिन सी, देन यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट, क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी ज्यादा है, सो इसका लाइक इफेक्ट भी जल्दी आएगा आपकी स्किन पे. एंड इट डेफिनेटली वर्क्स, लाइक अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल एंड बहुत ज़्यादा लाइक ड्राई है, डैमेज्ड है, बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन हुआ है आपकी स्किन पे, सो इट वर्क्स वेरी नाइसली. इट्स अ 30 ml प्रोडक्ट विच रिटेल्स फॉर ₹790. आप 20 ml वाला भी परचेज कर सकते हो, दैट इज़ फॉर ₹550. सो यू कैन चेक दैट आउट ऑल्सो. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. इसका भी बहुत लाइक कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है एंड इट रियली गिव्स अ वेरी ब्यूटिफुल ग्लो. सो बहुत अच्छा ग्लो आ जाता है. But if you're using it in the morning time, always pair this up with a sunscreen. इसे ऐसे ही use मत कर लेना please. Very very important. Okay. Now serums are done. Next I have two moisturizers. एक बहुत expensive है and another one is quite affordable. Not that expensive. So एक मेरे पास Cetaphil का है and one is Clinic one. Moisturizers का भी एक मैंने लाइक माई फेवरेट मॉइस्चराइजर्स का मैं एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगी, आप वो भी चेक कर सकते हो. आई थिंक आई हैव रिव्यूड सम 5 मॉइस्चराइजर्स इन दैट, माई फेवरेट 5 मॉइस्चराइजर्स. सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट द सेटाफिल वन. सो जैसे मैंने फेस वॉश की बात की, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, डर्मेट रिकमेंडेड ब्रांड है. सो इट इज़ द डेली एडवांस अल्ट्रा हाइड्रेटिंग लोशन. इट इज़ फॉर ड्राई, कॉन्टिन्यूसली ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन, बट आई थिंक कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं. एंड इट इज़ वेरी वेरी हाइड्रेटिंग, मतलब लाइक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये. इट्स अ 30 ग्राम्स का प्रोडक्ट फॉर ₹250. सो बड़ा वाला भी आप परचेज कर सकते हो. दिस इज द कंसिस्टेंसी. बहुत लाइक बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है. सो कॉम्बिनेशन टू ड्राई स्किन के लिए इट्स अ नाइस प्रोडक्ट. सो इसमें भी शिया बटर है, वाइटामिन B3 है, B5 है, सो एक्सट्रीमली हाइड्रेटिंग ingredients are present in this particular moisturizer. So very very nice moisturizer. Next up I have is the Clinic one, and yes it is an expensive brand, so like sab afford nahi kar sakte and sab itna invest bhi nahi karna chahte. If you want to try it, you can definitely check this product out. It is like itna pyara moisturizer hai na, I don't have words. And ye wala jo product hai na, एंड ये वाला जो मॉइस्चराइजर है, दिस इज मॉइस्चर सर्ज इंटेंस 72 आवर्स लिपिड रिप्लेनिशिंग हाइड्रेटर. ये 72 आवर्स वाला है. सो जब आप नायका पे जाओगे, यू कैन चेक
एक 72 आवर्स वाला होता है और एक 100 आवर्स वाला लिखा होता है, वो डिफरेंस आप देख सकते हो. सो हमेशा 72 वाले आवर्स पे ऊपर दे हैव मेंशन वेरी ड्राई, फॉर वेरी ड्राई, एक्सट्रीमली ड्राई कुछ लिखा होगा. तो अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ड्राई है तो आप ये वाला परचेज कर सकते हो. एल्स जो 100 आवर्स वाला भी है दैट इज ऑल्सो गुड. प्राइस डिफरेंस दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं है, प्राइस सेम है, क्वांटिटी भी सेम ही है. इट्स जस्ट दैट आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हो. सो मैंने एक्सट्रीमली ड्राई के अकॉर्डिंग ही इसे परचेज किया था क्योंकि उस पर लिखा हुआ था वेरी ड्राई. एंड आई कैन शो यू द टेक्सचर, पूरा फिनिश है यार, एंड आई जस्ट लव दिस. सी, परफेक्ट परफेक्ट टेक्सचर, परफेक्ट टेक्सचर. अभी एक्चुअली मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपने हाथ पे यूज़ कर लिए हैं, सो मे बी आपको इतना अच्छे से नहीं दिखेगा, बट यू कैन चेक माय अनदर वीडियो, उस पर मैंने बहुत अच्छे से इसके बारे में बताया है. इट्स अ 30 ml का बॉटल फॉर 1950 rupees. इसमें 15 ml भी आता है आई गेस, एंड आई थिंक इससे बड़ा वाला बॉटल भी आता है. सो वी हैव कम अप टू द फिफ्थ स्टेप, एक्चुअली दिस इज द लास्ट स्टेप, द फाइव स्किन केयर स्टेप में दिस इज द लास्ट स्टेप. आई हैव टू प्रोडक्ट्स एंड आई रिकमेंड बोथ ऑफ देम, एक्वालॉजिका वन एंड डॉक्टर शेद. नाउ एक्वालॉजिका तो मेरा इतना ज्यादा फेवरेट है, आप मेरे पहले के वीडियोज चेक कर सकते हो. मैंने आई थिंक 2-3 वीडियोज में इसके बारे में बात की हुई है, एंड इट इज अ वेरी वेरी नाइस सनस्क्रीन. माई गॉड, मतलब क्या ही सनस्क्रीन है. एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के. इतना ब्यूटीफुल ग्लो आ जाता है इसे लगाने के बाद. सो इफ यू वॉन्ट द ड्यूई लुक यू कैन ऑलवेज गो फॉर दिस सनस्क्रीन. इट्स द एक्वालॉजिका ग्लो प्लस ड्यूई सनस्क्रीन. इसमें है पपाया एंड वाइटामिन सी एंड SPF 50+, PA 4+. इट्स 80 ग्राम का ट्यूब, रिटेल्स फॉर 599. इसमें 50 ग्राम्स का भी आता है, दैट इज फॉर 399. यू कैन ऑलवेज चेक दिस ऑन डिस्काउंट्स. बाय वन गेट वन भी चलता रहता है एक्वालॉजिका पे, सो तभी भी आप परचेज कर सकते हो. मैं आपको ना इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ. सो नाउ आई हैव टेकन सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑन माय अनदर हैंड बिकॉज उसमें वो बहुत ज़्यादा पाइलअप हो जाता. सो दिस इज द टेक्सचर एंड बहुत ज़्यादा प्यारा, बहुत ज़्यादा प्यारी सनस्क्रीन है. सी, ईजिली एब्जॉर्ब हो जाती है, दर इज नो वाइट कास्ट एंड वेरी वेरी नाइस. अगर आपकी स्किन ड्राई है ना, सो अच्छा हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगी एंड ग्लो भी आ जाता है. सो अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट. नेक्स्ट इज द डॉक्टर शेड्स वन, अगेन अ डॉक्टर रिकमेंडेड ब्रांड, वेरी वेरी नाइस सनस्क्रीन. इट्स द सेरेमाइड एंड वाइटामिन सी सनस्क्रीन विच इज SPF 50, PA 3+, एंड इसमें 1% सेरेमाइड कॉम्प्लेक्स है, देन 2% वाइटामिन सी है एंड 1% हाइलुरोनिक एसिड भी है. सो सब कुछ ही ऐसा इसमें इंग्रेडिएंट्स है जो हाइड्रेट करेंगे आपकी स्किन को. इट इज सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप, सारे स्किन टाइप्स यूज़ कर सकते हैं. नाउ ये वाला आई थिंक दिस इज द 50 ग्राम, दिस इज द 50 ग्राम्स वाला पैकेजिंग फॉर 499, एंड 80 ग्राम्स का भी आता है, दैट इज फॉर 699 rupees. सो इट्स अफोर्डेबल ओनली ना, अगर आप बाय वन गेट वन पे परचेज करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है. सो आई मैनेज टू टेक आउट सम प्रोडक्ट क्योंकि पूरा फिनिश हो गया था. सो दिस इज द कंसिस्टेंसी, थोड़ा सा थिक है ये कंपेयर टू द एक्वालॉजिका वन इफ आई से. सो बट या, गुड फॉर ऑल स्किन टाइप्स, बोथ द सनस्क्रीन्स आर गुड फॉर ऑल स्किन टाइप्स. लास्ट आई हैव टू लिप बाम्स विद मी. सो पहला है मेरे पास डॉटन की का लिप बाम एंड दूसरा है लानेज का लिप बाम. ओके, सो दिस इज डॉटन की ग्लॉस बॉस लिप बाम विच हैज़ वाइटामिन सी प्लस ई. इट हैज़ SPF 30, सो सन से भी प्रोटेक्ट करेगा एंड इट इज़ इन द वेरिएंट मैंगो पैशन. सो इसमें कोई टिंट नहीं आता है. 12 ग्राम्स का प्रोडक्ट है विच इज़ फॉर ₹249. दिस इज़ द कंसिस्टेंसी एंड सी, ये बहुत अच्छा शाइन प्रोवाइड करता है आपके लिप्स पे. सो वेरी गुड लिप बाम. And second is Laneige ka lip balm. Now this is an expensive one, so if you have a budget, you can definitely go for this lip balm. Especially if you have very dry and chapped lips. क्योंकि मेरी skin भी dry and lips तो हमेशा ही बहुत ज़्यादा dry रहते हैं. So I have tried multiple lip balms, लेकिन ऐसा lip balm इसका कोई replacement है नहीं. Because the its thickness बहुत ज़्यादा thick है ये. I don't think there's any comparison of this lip balm for now. इट्स द लानेज का लिप स्लीपिंग मास्क
बेरी वेरियंट में है, 8 grams का प्रोडक्ट है ₹4,600। दिस इज एनरिच विद बेरी फ्रूट एक्सट्रैक्ट, इसमें विटामिन सी भी है, कोकोनट ऑयल है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है आपके लिप्स को, बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है। एंड द टेक्स्चर आई एम गोना शो यू, इट हैज नथिंग इनसाइड इट एक्चुअली। ओके, हेयर यू कैन चेक, सो काफ़ी अच्छा है, इट्स beautiful, and all of the empties that I have shown you in this video, I'll recommend them all. Just check them according to your budget and according to your skin type. I think वैसे तो सारे dry skin के लिए ही suitable हैं, but कुछ all skin types के लिए भी थे. So बस अपने skin type के according and अपने budget के according आप products pick कर सकते हो, but products सारे ही बहुत अच्छे हैं. I'll recommend them all. And yeah, that's all for the video, guys. Thanks a lot for watching. एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्रेस द बेल आइकन, यू विल गेट द नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगी, एंड आई विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।